सर्वर डाउन होने की वजह से कई एयरलाइंस, बैंक, टीवी प्रसारण, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज पर असर। दुनिया भर में सैकड़ों विमान सेवाएं ठप हुई। सर्वर डाउन पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान, सर्वर को जल्द ठीक करने की कोशिश। सर्वर ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। कई एयरपोर्ट पर भी सर्वर डाउन का असर दिख रहा है। अस्थायी तौर पर कुछ सेवाओं पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल होने के बाद यात्रियों की हो रही मैनुअल एंट्री और यात्रियों को दिया गया हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास। सर्वर डाउन होने के चलते भारत और अमेरिका में 147 उड़ानें रद्द हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी विमान सेवाएं बाधित। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। सर्वर डाउन होने से एयरपोर्ट की सेवाएं ठप और लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हुई। अमेरिका में ज्यादातर फ्लाइट्स ग्राउंडेड है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी दिखा सर्वर डाउन का असर। करीब एक घंटे से नहीं हो रहा सामानों की चेक इन, न यात्रियों को मिल रहा बोर्डिंग पास। सर्वर डाउन की वजह से यात्रियों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अंदर परेशान नजर आए यात्री। दुबई एयरपोर्ट पर भी यातायात हुआ ठप। एयरपोर्ट के अंदर कतारों में नजर आए यात्री। कावड़ यात्रियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। कावड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी के आदेश का देखा असर। कावड़ मार्ग पर दुकानदारों ने लिखे अपने नाम, बड़े बड़े बैनर में लिखे गए दुकानों के नाम। धामी सरकार ने फेरी ठेली वालों के पहचान के लिए जारी की गाइडलाइन। सीएम धामी के निर्देश पर अब जारी होंगे पहचान पत्र। कावड़ यात्रा पर डीआईजी अजय कुमार सहनी का बयान। कहा कावड़ मार्ग पर पुलिस ने की गश्त, उनकी गश्त लगातार जारी है। कावड़ के शिविरों को की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भोपाल में सुंदरकांड को लेकर बवाल जारी है, सियासी बवाल मचा। कांग्रेस ने मांगी सुंदरकांड की अनुमति और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंची जीतू पटवारी। कमिश्नर कार्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चुनावी बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रशांत भूषण ने जल्द याचिका पर सुनवाई करने की मांग की। मानसून सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही है 6 नए विधेयक। आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक सहित कुल 6 नए बिल पेश किए जाएंगे। संसद का एजेंडा तय करने के लिए बीएसई का हुआ गठन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गठित की कमेटी। कमेटी में बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों के सांसद शामिल। डोडा में आतंकी मददगारों पर शिकंजा। डोडा से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी। 11 जून से अब तक 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 जुलाई को सेना पर हमला करने वाले आतंकियों की मदद करने का इन लोगों पर लगा है आरोप। कुपवाड़ा में दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया है। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और पाकिस्तानी आईडी कार्ड बरामद हुए। इलाके में छिपे और आतंकियों का सर्च जारी। और पूंछ के सरकारी अस्पताल में मिला हैंड ग्रेनेड और ग्रेनेड मिलने के दौरान एक्शन मोड में पुलिस। एसओजी की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रांची से मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई कर रही है पूछताछ। दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में हो रही हिंसा को देखते हुए फैसला किया गया। हिंसा को बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन। सड़कों पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए छात्र गुस्साए लोग। छात्रों ने आगजनी की। पुलिस ने की फायरिंग। कई छात्र को गोली लगने की खबर। पुलिस पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आरोप। प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट पर भी बैन लगा। हिंसा में करीब 30 पत्रकार घायल हो गए। आरएसएफ ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की। बांग्लादेश में झड़प के दौरान अब तक 39 लोगों की मौत हुई है। 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपीएससी की तरफ से यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि पूजा खेड़कर की आईएएस की नौकरी भी संकट में है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं पूजा खेड़कर की नौकरी के ऊपर। बड़ी खबर, पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और अभी तक हम देख रहे थे पूजा खेड़कर की मां को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, क्योंकि दबंगई का एक वीडियो सामने आया था। पिता के ऊपर भी लगातार संकट बना हुआ है। और इसी बीच अब पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, यूपीएससी की तरफ से करवाई गई है। इससे पहले उनकी ट्रेनिंग से उनको वापस लबासना इंस्टीट्यूट बुला लिया गया था, उस एकेडमी में वापस बुलाया गया था। वाशिम में एज अ ट्रेनी कलेक्टर की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन लबासना ने वापस एकेडमी में बुलाया।
अब एक और बड़ा अपडेट ये कि यूपीएससी ने इस पूरे मामले में धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। तो यहां से पूजा खेड़कर की आईएएस नौकरी पर संकट लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस में जो है पूजा खेड़कर ने शिकायत दी, लेकिन यूपीएससी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और यूपीएससी ने धोखाधड़ी का आरोप पूजा खेड़कर के ऊपर लगाया है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी पाया गया। इसके अलावा एज को लेकर भी जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें भी कुछ ना कुछ धोखाधड़ी दिखी है। 3 साल में 1 साल ही बराबर ही बढ़ती हुई उम्र पूजा खेड़कर ने दिखाई। साथ ही आपको बता दें, दिव्यांगता को लेकर भी फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इन तमाम मसलों को देखते हुए यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक निर्देश पारित किया। उसमें ये बोला गया कि हर एक दुकानदार को अपने मालिक का नाम चस्पा करना है। और आप देखेंगे ये हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफे है, जो कि मालिक है इस ढाबे के, उनके नाम लिखे हुए हैं। नाम लिखने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। नहीं, अभी कोई असर नहीं है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक है? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। खबरों में आगे बढ़ते देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई, तैयारियां पूरी कर ली गई और निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं कि कांवड़ यात्रा को जो रूट रहने वाला है उस रूट के तहत आने वाली सभी दुकानों में नाम लिखे जाएंगे और पहचान बतानी होगी। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार में हिट हुआ मुजफ्फरनगर मॉडल, सभी कांवड़ यात्रा मार्गों के लिए लागू हो गए नियम। अब पूरे यूपी में दुकानों पर लिखे जाएंगे मालिकों के नाम। मुजफ्फरनगर में दुकानों पर मालिकों का नाम और पहचान लिखने पर विपक्ष का विरोध भी अभी थमा नहीं था कि योगी सरकार ने इस फैसले को पूरे यूपी में लागू करने का फैसला कर दिया। यूपी के सभी कांवड़ मार्गों पर मुजफ्फरनगर की तर्ज पर अब खाने पीने की दुकानों पर मालिकों की पहचान लिखना जरूरी होगा। योगी सरकार चाहती है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भोले के भक्तों को सात्विक खान पान की सहूलियत मिले। इसके लिए उनके तमाम सियासी विरोधों को दरकिनार करते हुए यूपी के सभी कांवड़ मार्गों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी दुकानों के मालिकों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने ये फैसला किया है। यूपी के सभी कांवड़ मार्गों के लिए लागू होंगे नए नियम। खाने पीने की सभी दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। दुकानों पर संचालक और मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। इससे कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए कोशिश की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार शुरू से ही बहुत संवेदनशील रही है। योगी आदित्यनाथ के यूपी में सरकार की कमान संभालते ही कांवड़ को लेकर लगातार बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी खाए, जिसको जहां मर्जी बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहां बैठा हूं, कहां बैठे खा रहा हूं, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं। उत्तर प्रदेश के सभी कांवड़ यात्रा मार्गों के लिए मुजफ्फरनगर मॉडल को लागू करने के फैसले को हर वर्ग ने स्वागत किया। यहां तक कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसे विवादों को खत्म करने वाला कदम बताया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तो इसका विरोध करने पर विपक्ष को ही आड़े हाथों ले लिया। इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है, इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। बीजेपी विरोधी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कांवड़ यात्रियों की सहूलियत में इस फैसले के समर्थन में आ रही आवाजें लगातार तेज हो रही है।
स्पष्ट रूप से लोगों की सुरक्षा, लोगों के आस्था के सम्मान के साथ जुड़ा है, और मैं मानता हूँ कि इस पर किसी तरह के कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही मुजफ्फरनगर जिले में शिव भक्तों के लिए इस नियम को लागू किया गया था, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया था। प्रशासन के इस नियम को लागू भी कर दिया गया था, जिस पर तमाम कथित सेक्युलर दलों ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन योगी सरकार के कड़े रुख से जाहिर है कि सरकार इस कदम से पीछे हटने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।